तो कैसा मेरे सर भाई भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है KFS न्यूट्रिशन पर। अभी तक आपने देखा होगा हमने बहुत सारे प्रोटीनों का रिव्यू करा है, अनबॉक्सिंग भी करी है, लेकिन आज हमारे पास एक नया प्रोटीन आया है जो है फैब स्पोर्ट्स। जो आपको इस बॉक्स को देखकर पता भी चल गया होगा पहले कि फैब स्पोर्ट्स का जो प्रोटीन है, जो हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये जो प्रोटीन है मेरे पास आया है 29 ग्राम ऑफ प्रोटीन में, बाकी इसके दो वेरियंट और मार्केट में अवेलेबल है, एक 24 ग्राम में है, एक 32 ग्राम में है। तो मेरे पास जो ये आया है 29 ग्राम प्रोटीन वाला आया है। आज हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, मिक्सिबिलिटी चेक करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। मुझे जो इसकी सबसे खास बात लगी है वो लगी है इसकी अट्रैक्टिव पैकिंग, जो किसी भी प्रोटीन में अब तक देखने को मुझे नहीं मिली। साथ में इसका जो खासियत मुझे लगी है, इसमें 40 ग्राम का एक पाउच है प्रोटीन का, जिसमें आपको 29 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। तो सबसे अच्छी इसकी बात है कि हम इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, जितना भी हमें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है उस हिसाब से हम अपने शेषे को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट। इसके अंदर अवेलेबल है जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है, और वे प्रोटीन आइसोलेट है ये मसल रिकवरी के लिए, और फिटनेस एक्स के नाम से ये प्रोटीन है। इसमें जो मेरे पास आया है मैंगो फ्लेवर आया है। तो एक बार इसकी मिक्सिबिलिटी चेक कर लेते हैं, टेस्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रोटीन पीने में कैसा है। बात करें मिक्सिबिलिटी की तो काफ़ी परफेक्ट मिक्सिबिलिटी है, कोई लंप वगैरह तो इसमें नहीं बना। बाकी एक बार टेस्ट और चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्वालिटी दी गई है। पीने में फ्लेवर एकदम बढ़िया है, कोई मिक्सिबिलिटी का इशू नहीं है। बाकी जिन भाइयों को कम मीठे वाला प्रोटीन पसंद है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, 29 ग्राम ऑफ प्रोटीन में है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वे आइसोलेट है, पावर एक्स के नाम से है, तो आप इसे बेटर मसल रिकवरी और मसल गेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अब तक का रिव्यू था, बाकी रिजल्ट जो है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका कैसा रहा। तब तक के लिए थैंक यू।